नमस्कार भाई। नमस्कार सर, क्या हाल है? बहुत बढ़िया जी। काम कैसा चल रहा है सर? बहुत बढ़िया जी। आज फार्म पे कितनी गाय सेल के लिए अवेलेबल सर? आज कम से कम 40 गाय एनिमल सर अपने पास अवेलेबल है सर सेल के लिए। एवरेज रेट क्या रहेगा सर? एवरेज रेट सर 80 से लेके 120 तक है सर। हर रेट की गाय मिलेगी सर? हर रेट। और मिल्किंग सर 30 से लेके 40 अबव। पूरी गारंटी के साथ सर? एनिमल बताएंगे सर। सभी गायें प्रेग्नेंट है या डिलीवरी वाली गाय? कुछ की डिलीवरी हो चुकी है, कुछ प्रेग्नेंट है सर। जिन गाय की डिलीवरी हुई है मिल्किंग करके किसान सर? श्योर ऑफ कोर्स सर, क्योंकि अपने फार्म पे अवेलेबल है सर। 2 टाइम 3 टाइम जब तक मैं बोलता हूँ 5 दिन मिल्किंग करे सर, जब तक बंदे का मन सेटिस्फाइड नहीं होता सर। रहने सहने की पूरी व्यवस्था सर? फुल व्यवस्था सर, क्योंकि जो भी कस्टमर हमारे पास आता है रहने सहने का लगा लो, वो कमेंट के जरिए बता देंगे सर भी साहिब डेयरी फार्म के हमारे फार्म की रहने की फैसिलिटी कैसी है, क्योंकि ये बहुत छोटी बात है। क्योंकि हर कोई किसान आता है कोई उम्मीद लेके आता सर, मेहमान पहले या कस्टमर बाद में, ठीक है सर? और बाकी किसान भाइयों देखो डे बाय डे आपका प्यार मिल रहा है, क्योंकि वह पहले मैं कहना चाहूँगा कश्मीर भाई कश्मीरी भाइयों को, क्योंकि कश्मीर का बॉर्डर भी अभी खुल चुका है, ठीक है ना? जिनकी IDDS के तहत परमिशन सर सेंशन की है एनिमल हस्बेंड्री ने सर, तो वो आ सकते हैं सर पंजाब में एनिमल लेके जा रहे हैं सर। और हमारे पास भी कस्टमर हैं सर जम्मू एंड कश्मीर के, क्योंकि पूरी पहचाने की जिम्मेवारी आपने ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। जी सर। और बाकी और गाय चलाकर दिखा दीजिए। जी सर। कौन सी गाय चलाओगे? ये गाय कौन से लैक्टेशन में? ये सर सेकंड में है सर, और इसका भी अप्रोक्सीमेटली पड़ा है सर 1 मंथ के दांतों में। ये इसका सर 20 डेज पेंडिंग है सर, इसकी ये 4 दांत सर शेकी निकाल रही है सर। चला दीजिए। जी सर। क्या दूध करेगी ये सर? कम से कम करेगी सर 40 अबव सर, क्योंकि अभी गाय के डिलीवरी में 20 डेज पेंडिंग है। गाय को ब्रीडिंग वाइज चेक करोगे, करेक्टर वाइज चेक करोगे सर, एकदम प्योर ब्रीड में, फुल ब्रीड में करेक्टर से भरी पड़ी है सर ये। अगर सर हम क्या रेट मांग रहे हो इस गाय का? ये सर 120 में देने लेने वाली बात है सर। देखो करेक्टर वाइज चेक करो सर गाय कितनी शानदार है, क्योंकि देखो अभी जो भी किसान भाई J&K से लगा लो, महाराष्ट्र से लगा लो, इतने दूर से चल के आते सर ब्रीड लेने आते हैं सर, क्योंकि ये ब्रीड है किसान भाई। बाकी आप प्लीज़ कमेंट के जरिए बताना आपको कैसा लगा ये गाय, कैसी लगी आपको, ठीक है ना? क्योंकि एक तो होता है बंदा बोलने वाला, क्योंकि हमारे पास नाम की ब्रीड नहीं सर, हमारे पास एक्चुअल में होती है। क्योंकि देखिए फेस की क्वालिटी, हेड लेंथ, बॉडी वेट, गाय की स्ट्रेटनेस, एक एक पॉइंट पे, एक एक पॉइंट ऑफ व्यू देखिए गाय का कैसे, स्किन कोड देखिए बछड़ी का, हेड लेंथ, बॉडी वेट, ये चीज़ें मायने रखते हैं। कम से कम 20 डेज पेंडिंग है, जब 20 डेज रिकवर करेगी ना सर, तब जाके इसका आप देखना गाय को कहते हैं अभी स्पेस क्लियर करेगी, तब देखना सर आप गाय को। जे गाय कौन से लैक्टेशन में? ये सर सेकंड में है, अभी इसके पड़े हैं 1 मंथ सर, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ पेंडिंग है सर। दांतों में? दांतों में सर ये 4 है और 6 की निकाल रही है सर, ये भी 4 दांत है। और अगर इसके खुद की बात करें सर, ये जॉन डाउन की है खुद, और आगे भी इसको अच्छे सेक्सुअल प्रेगनेंट से प्रेग्नेंट है सर ये। पूरा फार्म का रिकॉर्ड मिलेगा सर? पूरा एक एक करेक्टर चेक करना सर गाय के, आप ब्रीडिंग वाइज लगा लो गाय के, हेड लेंथ, बॉडी वेट, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेटनेस, कहते हैं ना गाय का पेट क्या कर जाएगी ये सर 45 आराम से। हाई मिल्किंग वेन देखिए सर, अभी गाय का 1 मंथ कहने की बात होती है, जब ये रिकवर करेगी ना 1 मंथ अपना, तब देखना सर आप भी गाय का एक्चुअल में ऑर्डर क्या बनेगा सर। तो क्या ये रेट में सेल करोगे? ये सर देंगे हम 125 में सर, क्योंकि एक कहते हैं ना ब्रीड होती है, चीज़ होती है जो एक फार्म को आगे लेके जाने में उसकी फुल सहायता करती है, तो ये चीज़ें वो है सर। देखो ब्रीडिंग वाइज देखो कितनी शानदार है गाय, करेक्टर वाइज देखो। बाकी जो भी किसान भाई ये गाय देख रहे हैं सर, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना नीचे, इसका 1 मंथ पेंडिंग है। और गाय का एक एक करेक्टर चेक करना जी आप, गाय के पाँव से लेके सर तक ब्रीडिंग वाइज लगा लो, हाई मिल्किंग वेन देखिए 1 मंथ पेंडिंग है, फेस वाइज देखिए कितनी शानदार है, क्वालिटी देखिए कितनी हाई ब्रीड में है सर, ये चीज़ें मैटर करती है। शाइनिंग वगैरह देखो गाय की, इक्वल गैप पे थन, अभी 1 मंथ पेंडिंग है, जब ये 1 मंथ क्लियर होगा ना सर, तब जाके आप देखना भी इसका एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा, गाय से बैठा नहीं जाएगा, क्योंकि सर देखो जो जिस बंदे को नॉलेज होते हैं सर ब्रीड में, देखो ऑर्डर लेने दूध देना सर खाली, ये गाय ने ब्रीडिंग ने भी गाय का बैक यील्ड क्या है, गाय का मदर रिकॉर्ड क्या है, और गाय के जो क्या बात है भी इसके टोटली फार्म का रिकॉर्ड क्या आ रहा है, इसके फार्म में कितने कितने दूध वाली गाय रेडी होकर जा रही है, किस फार्म से कितना दूध निकल रहा है, तो ये चीज़ें मायने रखती हैं सर। अभी ब्रीडिंग वाइज देखो कितनी हाई ब्रीड, फुल ब्रीड में एनिमल, ऐसे एनिमल सर कहते हैं अभी 100 में से 1 एनिमल मिलता है सर, जब किसी फील्ड में जाते हैं, किसी फार्म पे जाते हैं, क्योंकि एक अच्छा फार्म वही है जो एनिमल को एक लेवल पे रखता है भी, हाँ जी हमारे पास एनिमल है, हमने इससे इतना दूध लेना है, और ये चीज़ें हमने इससे
प्रॉपर देनी देनी है। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट पड़ी बछड़ी जी, गाय का एक एक करेक्टर जो होता है ना गाय का भी, हाँ जी वाकई में एनिमल होता है, तो वो चीजें हैं सर। ये किसान भाइयों प्लीज कमेंट करके बताना भी जी आपको हमारी ये गाय कैसी लगी और रेट कैसा लगा, क्योंकि जो चीजें हमारे पास होती हैं हम आपको वो दिखाते हैं। रेट का लगा लो, जो किसान भाई डेली की तरह मालवा फार्म पे लगा लो या अदर अदर में लगा लो भी, देखते हैं सर उनको नॉलेज है सर, अवेयर है, हम मिसगाइड तो नहीं कर रहे हैं ना किसानों को, ये चीजें मैटर करती हैं। देखिए फेस वाइज देखिए क्वालिटी, स्ट्रेटनेस और हेड का अंदाजा अंदाज हो जाएगा सर। जे गए कौन से इलेक्ट्रेशन में दांतों में? दांतों में सर ये दो है। फर्स्ट टाइम में क्या दूध करेगी ये सर? फर्स्ट टाइम में करी सर 27 से 28 लीटर दूध सर। गाय के अभी कम से कम रेंजेस पेंडिंग है। क्या रेट मांग रहे हो ये सर? रेंजिंग हम 80 में सर। सेमन रिकॉर्ड है इस गाय का जी सर? सेमन रिकॉर्ड सारा मिलेगा सर इसका, जो जो इसका है, जैसे सर ये इसको अरमाडा से सर, ये प्रेग्नेंट है, पॉइंट एक वीक होता है सर ये, क्योंकि जो जो चीज़ें फार्मर हमें बताता भी, हाँ जी सेमन के जिस फार्म से हम लेते हैं सर, क्योंकि सभी के बतौर टाय के अकॉर्डिंग इसकी एज का अंदाज हो जाता है। जो भी किसान भी कहते हैं भी अभी ज़्यादातर जे एंड के कस्टमर निकलेंगे, क्योंकि उनका स्पेशल ये रहेगा भी हाँ जी जो चीज़ें टैग में शो होनी चाहिए सर, तो ये चीज़ें आप चेक कर लेना किसान भाइयों, हमारे फार्म की जो भी गाय होगी इसका टैग नंबर रजिस्टर्ड होगा और वो टैग में सारा रिकॉर्ड होगा सर, ठीक है ना। जो जो चीज़ें देखिए स्ट्रेटनेस वाइज लगा लो, क्वालिटी वाइज लगा लो, उनकी क्वालिटी वाइज लगा लो, स्किन कोड वाइज लगा लो, तो प्रॉपर है गाय। फर्स्ट टाइम रही इसने बढ़ना है आगे जाके, दूध में भी हेड में भी लैक्टेशन देने हैं, लैक्टेशन 5-6 साल इसको देखने की जरूरत नहीं है सर किसान भाई, जो भी किसान भी लेके जाएगा सर, क्योंकि आराम से 5-6 लैक्टेशन किसान भाई को देगी और उसके बाद चाहे वो सेल भी करे सर फिर भी अच्छे पैसे उनको दे जाएगी सर। देखिए करेक्टर वाइज देखिए, छोटा कान, फेस की क्वालिटी, दो दांत बछड़ी और जो जो चीज़ें इन्वॉल्व चाहिए करेक्टर में, तो वो चीज़ें सारी इन्वॉल्व है जी। ये देखिए लेग स्कोर देखिए गाय कितना शानदार है, लेग स्कोर मजबूर, लेग स्कोर इक्वल गैप पे था ना, लेग स्कोर देखिए, ये देखिए ये चीज़ें मैंने रखते हैं कम्पैक्ट साइज ऑर्डर, वी लेग जो लेग के ऊपर है, घुटनों के ऊपर है बिल्कुल, इसने फिटिंग बनानी है सर, ऑर्डर ने भी बढ़ना है, हेड ने भी बढ़ना है, गाय ने बढ़ना है, सारी चीज़ इसने गेन ही करनी है सर, इम्प्रूवमेंट करना है, इन्हें कम नहीं होना सर, तो ये चीज़ें होती है किसान भाई। बाकी जो भी किसान भाई माला फार्म के मैं कहता हूँ वीडियो देते सर डेली की डे बाई डे सर हमारी, क्योंकि देखो कोई ऐसा आदमी नहीं, मैं अपनी तरफ खुद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि किसान भी इतना अच्छा प्यार दे रहे हैं, महाराष्ट्र वाले दिखा लो, जे एंड के वाले दिखा लो, तो इस चीज़ को लेके दे रहे हैं सर भी, हाँ जी हमारा विश्वास है, हम पर विश्वास कर रहे हैं सर, क्योंकि कोई नहीं किसी की तरफ जाता, एक बार पैसे ले लेते हैं ना कोई बंदा, बाद में फ़ोन भी नहीं उठाता सर, ऐसा काम हमारा नहीं सर, हम बतौर किसान का फीडबैक लेने उनके घर पर जाते हैं, अगर हमारे में विश्वास था, अगर हमारे में दम था तभी गए सर, ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी किसान भाई जो भी किसान भाई गाय लेने के लिए आ रहे हैं पंजाब में, वेलकम उनका साहब डेयरी फार्म पे, ऑल में सर 20-25-40 तक एनिमल अवेलेबल रहते हैं सर, कभी भी आप कॉल कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन की ऑर्डर की सुविधा सर है, और नंबर मेरा सर स्क्रीन पे आ रहा है, और किसी भी किसान भाई को अगर नॉलेज चाहिए तो वो नॉलेज भी लेने के लिए आ सकते हो सर, खाली गाय बेचना हमारा मोटिव नहीं है, किसानों को अवेयर करना, और जो भी किसान भाई हमारे पास आ रहे हैं सर नहीं तो उनके लिए सर वेलकम है, मैं कहना चाहूँगा साहब डेयरी फार्म से, और भाई बाकी करेक्टर वाइज चेक करो गाय का स्किन कोड, एक करेक्टर गाय का दूध वाला था, देखिए इक्वल गैप से था पिंक किट और कम्पैक्ट साइज ऑर्डर थी, तो ये चीज़ें होती हैं किसान भाई, जो एक ये होता है फार्म के बारे में सोचना आगे, 5000 रुपये एनिमल पे ज़्यादा लगा दो, बट ऐसा एनिमल लेके जाओ जो लैक्टेशन दे आपको, दूध प्लस लैक्टेशन, ये चीज़ें मैंने रखे हैं सर, तो ये वो चीज़ है सर। और बाकी किसान भाई देखो आपने इतना अच्छा प्यार दिया सर, मैं एक्सेप्ट करूँ वो चीज़ें, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ सर, देखो बनाने करने वाले आप पसंद नहीं, ठीक है ना, तो साहिब डेयरी फार्म आपका खुद का फार्म है, कभी ये सोचकर मत आना, कोई भी बंदा अदर स्टेट से आ रहा है, अदर फार्म से आ रहा है, ये मैं सोचना भी मैं किसी अदर फार्म पे जा रहा हूँ या अदर स्टेट में जा रहा हूँ, आपका खुद का घर है, आपका खुद का फार्म है, एनी टाइम वेलकम है सर आपका कभी भी, है ना, और एनिमल परचेजिंग करनी है या नॉलेज लेनी कोई एनिमल के बारे में, क्योंकि मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जितनी नॉलेज आपसे होती है सर इकट्ठी उतनी नॉलेज करो, क्योंकि सर नॉलेज जितनी लोगे सर उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आगे जाके अपने काम ही आने वाले सर, ठीक है ना, ये चीज़ें आपके काम आएगी, क्योंकि धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप आगे चलोगे ना सर, तो वो आपको इम्प्रूवमेंट देगी, हेल्प करेगी सर आपकी, थैंक यू सर।